السلام عليكم. कहाँ तक पढ़ा था भाई कल? लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस हो गया था? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटे हमने जो जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी वो थी, पहले उनकी प्रॉपर्टीज थी, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी ग्रुप उसमें शामिल हैं, दो ग्रुप उनके डिस्कस की थी हमने, प्रॉपर्टीज उनके बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं। फिर उनके ट्रेंड्स पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एस ब्लॉक ही नहीं बल्कि आपसे पी ब्लॉक को भी डिस्कस किया था। जो कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं वो भी मैंने आपको उसमें बताए हैं डिटेल में, सारे रीजंस बताए हैं। लास्ट में एक रीजंस भी लिख दिए थे कि भाई ये है रीजंस, ये आते हैं मिसाल के तौर पर, ये लास्ट के दो पॉइंट्स इसके रीजंस हैं कि फर्स्ट आईपी अल्कली मेटल की कम होती है, सेकेंड आईपी अल्कली मेटल की ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की कम होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है, फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रीजन सारे सब डिस्कस हुए हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा, बड़े रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हेलोजन के साथ करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी पढ़ लिया था। तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है जनाब, आज हम इंशाल्लाह ताला इसका एक बड़ा अहम टॉपिक स्टार्ट करने लगे। तीन टॉपिक्स हैं, अब तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने अब पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मेटलर्जी, इसको नोट कीजिएगा, मेटलर्जी की डेफिनेशन को और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। नोट करके मुझे बताइएगा।
हाँ बेटा ये लिख लिया। अच्छा जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। वी डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। तमाम के तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। एंड मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर। तवज्जो दीजिएगा जरा, काम की बात है बहुत। मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। सही है जी। मेटल्स कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब हमें तो कॉपर चाहिए, हमें सिल्वर चाहिए, हमें आयरन चाहिए प्योर आयरन, हमें सोडियम चाहिए प्योर चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए प्योर चाहिए। तो अब इन मेटल्स को कैसे हासिल करें? तो क्या लिखा हुआ है? पहले डेफिनेशन लिखी हुई है मेटलर्जी की। The technique or science of separating metals from their ores is called metallurgy. Metals को उनकी ore से अलग करने की technique, metals को उनकी compound से अलग करने की technique या science क्या कहलाती है? Metallurgy कहलाती है। अब ore क्या है? देखें जरा तवज्जो दीजिएगा। Ore वो compound होता है जिससे metal को अलग किया जा सके। Ore वो compound होता है जिससे metal को अलग किया जा सके। Naturally तमाम के तमाम मेटल कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं होता कि लोहा मिलता है, नहीं, लोहा कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगा, आयरन कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगा। वी हैव टू सेपरेट आयरन फ्रॉम देम। कॉपर मिलेगा लेकिन कॉपर नहीं मिलेगा प्योर, बल्कि वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगा। एंड वी हैव टू सेपरेट दैट कॉपर फ्रॉम दैट कंपाउंड्स। और वही कंपाउंड्स होते हैं, वही लिखा हुआ है। ये और की डेफिनेशन नहीं पूछते ज्यादातर, ये मेटलर्जी पूछते हैं। फिर भी ओर बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि आप पढ़ें तो आपको पता तो चले कि ओर क्या है। एन ओर इज अ टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन सफिशिएंट मिनरल, दैट कंटेन सफिशिएंट मिनरल, जिसमें मिनरल्स की मिकदार मौजूद होती है। कौन क्या पूछ रहा है? ठीक है मुजम्मिल साहब। That contains sufficient mineral with important element, including metal that can be economically extracted. ठीक है जी? नहीं, S block elements के reactions थे अनस साहब, chemical properties of S block elements. The ores are extracted through mining, mines के through ores को extract किया जाता है, फिर इनको refine किया जाता है। Smelting एक technique है to extract the valuable elements. Smelting chapter number 5 में discuss होगी बाद में। ये metallurgy से ही related एक technique का नाम है। ये कुछ और के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन यहाँ पर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज है वो मेटलर्जी की डेफिनेशन है। अब चैप्टर नंबर 3 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास मुख्तलिफ मेटल्स हैं, लेकिन जो मेटलर्जी दी हुई है वो सिर्फ सोडियम की दी हुई है। क्यों? क्योंकि सोडियम की मेटलर्जी अगर आप पढ़ लेंगे तो बाकी तमाम के तमाम मेटल्स की मेटलर्जी एस ब्लॉक के उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए होती है। तो हेडिंग डालिएगा मेटलर्जी ऑफ सोडियम या एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग का पार्ट बन के भी आता है, इसको हमने अब डिस्कस करना है। जल्दी से उसकी हेडिंग डाल लीजिए और उसको नोट कीजिए।
लिख लिया बेटा। मलिक तैमूर साहब, मुझे इसका सही आइडिया नहीं है। जी बेटे, नोट कर लिए इसको। याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर कह रहा हूँ। ओके बेटे, अब मेटलर्जी की डेफिनेशन के बाद एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी ऑफ सोडियम हम पढ़ रहे हैं कि सोडियम मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में यही एक एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी गिवन है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम की एक्सट्रैक्शन जो की जाती है वो की जाती है एक प्रोसेस से जिसका नाम है डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस, डाउन साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये प्रोसेस डिजाइन किया था, और ये बेस करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस करता है किस चीज की? इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस करता है, इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड, फ्यूज मतलब पिघला हुआ NaCl जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? द मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जेरे असर आयंस का अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की। डाउन सेल क्या होता है उसके लिए ये आप डायग्राम देखें, कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम से ही समझा दूंगा। ये है डायग्राम डाउन सेल की, ठीक है जी। अब ये जो डाउन सेल है इसमें मैं जहाँ पे मेरा ये एरो जाएगा उसको जरा तवज्जो से देखिएगा। ये जो बाहर की बॉडी है इसकी, ये स्टील है, ठीक है जी। ये स्टील का एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है जिसकी इनसाइड वॉल्स, अंदर की जो दीवारें होती हैं उनमें फायर ब्रिक्स लगे हुए होते हैं। फायर ब्रिक्स मतलब रेड कलर की ईंटें जो होती हैं, लाल ईंटें जो भट्टी में लगी होती हैं, ठीक है जी, वो कहलाती हैं फायर ब्रिक्स। जो लोग गांव गए हैं कभी तो उन्होंने वहां देखा होगा लाल ईंटें इस्तेमाल होती हैं, या जिन्होंने कभी भट्टी देखी है उसके अंदर लाल ईंटें लगी होती हैं, वही रेड ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स जो है वो यहाँ पे लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं? क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मोल्टन NaCl। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बेटे? मोल्टन NaCl यूज करेंगे, ठीक है जी। डायग्राम बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटे मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, और NaCl को अगर आप पिघला के डालेंगे तो बड़ा हीटअप होगा, तो डायरेक्ट अगर स्टील के कंटेनर से कांटेक्ट में आएगा तो मे बी पॉसिबल कि स्टील के कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो मुतासर होते हैं, तो उसी से बचने के लिए अंदर फायर ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन अभी मैं अभी तो दिखाइए पूरा टाइम, अभी वापसी जाता हूँ, एक मिनट सबर करो। इसके अंदर जो फिल हुई हुई चीज, जो सॉल्यूशन फिल हुआ हुआ है वो है मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2। मोल्टन मिक्सचर है किसका? NaCl और CaCl2 का। तो NaCl की तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, वाई CaCl2 इज एडेड, ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसका जो बॉटम है मतलब जो निचला हिस्सा है उसमें सेंटर पे एक बड़ा सा बॉक्स, सॉरी बड़ा सा ब्लैक कलर का एक आपको इलेक्ट्रोड नजर आएगा, दैट इज ग्रेफाइट एनोड। ये ग्रेफाइट का एक बड़ा सा आप समझ लीजिए ब्लॉक रखा होता है दरमियान में,
नीचे की तरफ जिसको कहते हैं एनोड, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, ग्रेफाइट का होता है ये। कैथोड क्या होता है? कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन, रिंग मतलब कि दोनों तरफ ये एनोड के मौजूद है, ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है, ये आयरन का बना हुआ होता है और इसने एनोड को क्या किया होता है, घेरा हुआ होता है। कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन मौजूद है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वायर गॉज। ये वायर गॉज है, क्यों लगी हुई है? इन ऑर्डर टू सेपरेट कैथोड एंड एनोड। उसके ऊपर आप ये देखेंगे ये बेल शेप हुड लगा हुआ है, बेल घंटी होती है कुल्फी वाले, आइसक्रीम वाले, ठीक है जी, तो उनकी अगर आप देखें तो ठेलों के ऊपर ये घंटी टाइप की चीज होती है, यही चीज यहाँ पे भी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब इसमें मौजूद है बेटे NaCl, तो NaCl जब पिघला लेंगे तो उसमें आयंस बन जाएंगे, दैट इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन पॉजिटिव है वो जाएगा कैथोड पे हमेशा, और क्लोराइड आयन नेगेटिव है वो जाएगा एनोड पे हमेशा। क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पे, क्लोरीन गैस बनेगी जो कि ऊपर से बाहर निकल जाएगी। ये इसीलिए हुड लगाया हुआ है कि क्लोरीन गैस जो है वो इधर उधर ना फैले बल्कि सीधी सीधी यहीं से बाहर निकलती चली जाए, जबकि सोडियम मेटल सारा का सारा जमा कहाँ होगा? कैथोड पर, और उसको हम फिर यहाँ से कलेक्ट करते रहेंगे। रिसीवर लगा होता है, इस साइड पे भी लगा होता है, इस साइड पे भी लगा होता है, हमने एक ही साइड पे शो किया हुआ है। यहाँ से ये सोडियम मेटल सारा का सारा हम बाहर खींचते रहेंगे। तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है, याद रखिए कुछ बातें कि इसकी जो मेन बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है, जिसके अंदर क्या है, फायर ब्रिक्स है, ठीक है जी। अगर आपको डायग्राम याद हो जाएगी तो कंस्ट्रक्शन खुद याद हो जाएगी। इट इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील इन विच इनसाइड वॉल्स आर लाइंड विद फायर ब्रिक्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन NaCl एंड CaCl2। एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट व्हिच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल। कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन व्हिच सराउंड एनोड, ठीक है जी। अ स्टील गॉज इज प्रेजेंट to separate cathode and anode and avoid the mixing of sodium and chlorine. Sodium और chlorine कहीं mix ना हो जाए, इसीलिए cathode और anode के दरमियान tent लगा के पर्दा कराया जा रहा है, ठीक है जनाब। A bell-shaped hood is present over anode to separate chlorine. इस तरह से आपने इसकी खुद भी आप construction लिख सकते हैं अगर आपको diagram याद है, ठीक है जी। तो ये थी construction, अब मैं इस point को ही पढ़ देता हूँ आपके सामने, और आपके सामने मैंने वैसे भी कंस्ट्रक्शन समझाई दिया आपको कि डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ स्टील, इनसाइड ऑफ द टैंक इज लाइंड विद फायर ब्रिक्स, एनोड इज अ ग्रेफाइट रॉड व्हिच प्रोजेक्ट सेंट्रली अप थ्रू द बेस ऑफ द सेल, बेस पे मौजूद है यानी कि बॉटम पे मौजूद है और दरमियान में मौजूद है। कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन व्हिच सराउंड द एनोड। कैथोड क्या है? रिंग है आयरन का जिसने क्या किया हुआ है, एनोड को घेरा हुआ है। नहीं, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ क्रम में फर्क है। उसके बाद जो एनोड और कैथोड है उनको सेपरेट किया हुआ एक दूसरे से बाय अ स्टील गॉज डायफ्राम, जो कि सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट रखेगा। ये सम टाइम रीजन आया हुआ है कि कैथोड और एनोड को डाउन सेल में क्यों सेपरेट रखते हैं, तो उसकी वजह हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अ बेल लाइक हुड इज सबमर्ज्ड ओवर द एनोड। बेल लाइक हुड एक लगा होता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है डाउन सेल की। अगर आप वर्डिंग्स ये याद ना भी करें, सिर्फ डायग्राम याद कर लें, तो उससे वर्डिंग्स लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। नाउ मैंने आपको एक बात क्या बताई कि यहाँ पे हम प्योर NaCl यूज नहीं करते बल्कि उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड भी मिलाते हैं, तो व्हाई कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीजें मैंने डिटेल में लिखी हुई है, नोट इट डाउन, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्यों ऐड किया हुआ।
इसको नोट करते रहिएगा, मैं अपना अटेंडेंस ले रहा हूँ, काइंडली अपने नेम कॉल कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, या आपको पता है कि क्या करना है। हम्माद अहमद, हम्माद अहमद, ठीक है हम्माद। सऊद फैसल, अगर किसी का नाम ना है तो वो बाद में मुझे मैसेज कर सकता है। सऊद फैसल, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला अब्दुल वहाब, मोहम्मद उसामा, अब्दुल्ला अब्दुल वहाब, मोहम्मद उसामा, खुजैमा जफर, राफे हुसैन, ठीक है उसामा, ठीक है राफे, अब्दुल्ला अब्दुल वहाब, मोहम्मद इकरान, मोहम्मद इकरान, असद बिन आमिर, अनस इमरान, ठीक है इकरान और असद, अनस बिन आमिर, सॉरी अनस इमरान, अनस और अब्दुल्ला, आप दोनों ने हैंड रेज नहीं किया है, पहले बता रहा हूं मैं, अनस एंड अब्दुल्ला अब्दुल वहाब, ठीक है अनस, हामिद खान, जीशान इब्रार, हामिद खान, जीशान इब्रार, मलिक तैमूर, मलिक तैमूर, जवाद अहमद, ठीक है जवाद, ठीक है मलिक तैमूर, सुभान आरिफ, अरीबुर रहमान, ताहा काजी, ठीक है सुभान, ठीक है अरीब, ताहा काजी, ठीक है ताहा, मोहम्मद जुबैर, सदाकत, मोहम्मद जुबैर, सदाकत, अली नजीर, मोहम्मद जुबैर, सदाकत, अली नजीर, ठीक है बेटे तीनों हैंड डाउन कर लो, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हसन, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हसन, ठीक है हसन, ठीक है उस्मान, सुफियान खान, शहीर अहमद, मुजम्मिल महमूद, सुफियान खान, शहीर अहमद, मुजम्मिल महमूद, ठीक है मुजम्मिल और शहीर, ठीक है सुफियान, ठीक है ठीक है ठीक है अनस, वो बताता हूँ बेटे सबर कर लो, भी मैंने बात अपनी मुकम्मल नहीं की। फरहान अहमद, मुजीर अहमद, फरहान अहमद, मुजीर अहमद, फरहान और मुजीर, ठीक है बेटे हैंड डाउन, किसी का नाम अगर ना आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, ओके जी। नाउ इन दिस मेथड वी यूज अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। व्हाई वी यूज अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड, नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट दिस टेम्परेचर मोल्टन NaCl एंड सोडियम, अब आपको पता ही है ना कि जो क्या कहते हैं इसे आयनाइजेशन है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, NaCl टूटकर Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, लेकिन होता क्या है कि अगर 801 टेम्परेचर यूज करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और Na के मेटालिक फॉग बना लेता है कंटेनर में, जिसको हमें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। फॉग से मुराद है छोटे छोटे से पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं आपस में, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैम। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, और ये टेम्परेचर भी बहुत हाई है, इस टेम्परेचर को कम करना है हमने, तो टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए बेटे NaCl के अंदर CaCl2 मिला दिया जाता है, और आपको पता है when a solid, when there is impurities present in a solid, its melting point is decreased. So the melting point of NaCl is decreased from 801 degree centigrade to 600 degree centigrade.
by adding CaCl2 and at this temperature no metallic fog is formed. तो अगर आपसे पूछा जाए why CaCl2 is added in NaCl, तो आपका जवाब होगा in order to reduce its melting point from 801 degree centigrade to 600 degree centigrade and at 600 degree centigrade no metallic fog is formed. But now there are other questions as well. Is CaCl2 आगे problems करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा, मैं अभी आपको वो आगे बताऊंगा. Now process क्या होता है? Process मैं बता रहा हूँ, साथ साथ note भी करते जाइए इसे. जो पिघला हुआ NaCl है उसमें दोनों आयंस मौजूद है, सोडियम आयंस भी है और क्लोराइड आयंस भी है. जैसे ही करंट पास होगा ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे. सोडियम आयन क्योंकि पॉजिटिव है वो जाते हैं कैथोड पर, क्लोराइड आयंस नेगेटिव है वो जाएंगे एनोड पर. इसी तरह सोडियम मेटल कैथोड पे कलेक्ट होता रहेगा. और अभी मैंने डायग्राम दिखाई थी आपको जिसमें हमने देखा था कि पाइप्स लगे हुए होते हैं और उसके जरिए हम सोडियम मेटल को बाहर निकालते रहते हैं. क्लोरीन गैस जाएगी एनोड पर एंड इट इज सेपरेटेड वेरी इजीली. नोट इट डाउन, फिर आगे बात करेंगे. अब्दुल्ला अब्दुल वहाब तुम क्लास में नहीं हो क्या? तुम्हारी माइक बंद किया हुआ तुमने मेरा. जी अब्दुल्ला साहब क्लास में नहीं है आप? इतनी बार नाम लिया है आपका उसके बावजूद आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी तक. जी नोट कर लिया बेटा इसको. सुफियान वो एंड में, अभी टाइम नहीं है बेटा. जी बेटे नोट कर लिया इसे. अच्छा बेटे जब फ्यूज NaCl में Na और क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, जैसे करंट पास होता है सोडियम आयंस कैथोड पे जाते हैं, क्लोराइड आयंस एनोड पे जाते हैं और सोडियम को हम कैथोड पे कलेक्ट करते रहते हैं और क्लोरीन को एनोड पे कलेक्ट करते हैं. उसके बाद इसके केमिस्ट्री लिखी हुई है फ्यूज NaCl, इसकी इक्वेशन है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस मौजूद हैं. कैथोड पे क्या हो रहा है जी? सोडियम आयंस जा रहे हैं कैथोड पे. कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होता है जरा मुझे ये बताइएगा सब. Which reaction occurs at cathode and which reactions occurs at anode?
विच रिएक्शन अकर्स एट कैथोड एंड विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड. Anas, good, शाबाश जी भाई. कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? हमाद, वेरी गुड, शाबाश. ताहा, शाबाश. ठीक है शहीर, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और एनोड पे कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होती है किस पर, रिडक्शन किस पे होती है? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया है. कैथोड पे रिडक्शन होती है. ताहा, हसान, अनस, हमाद, वेरी गुड, शाबाश. इकरान, गलत कह रहे हो बेटे, रिवर्स कह रहे हो. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. शहीर, वेरी गुड. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन. फरहान, वेरी गुड. ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया है चैप्टर नंबर 7 में. कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन. ए क्या है? ए से एनोड आ रहा है, ए वॉवल है. ओ से ऑक्सीडेशन, ओ भी वॉवल है. जो वॉवल वाला इलेक्ट्रोड होता है उस पर वॉवल वाला रिएक्शन होता है. कैथोड सी से आ रहा है, सी इज कॉन्सोनेंट. जो कॉन्सोनेंट वाला इलेक्ट्रोड रिडक्शन आर जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाला रिएक्शन होता है. ये बात मैंने आपको सिखाई थी. तो कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, पॉजिटिव आयंस, कैथोड नेगेटिव होता है. Na पॉजिटिव आयंस जो है वो जाएंगे कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और सोडियम बना लेंगे. ये रिडक्शन हो रही है. क्लोराइड आयंस जो कि नेगेटिव है ये जाएंगे एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और बना लेंगे क्लोरीन. लेकिन क्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होती. यहाँ पे एक एटम नहीं होता क्लोरीन का, बल्कि लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं क्लोरीन के. वो आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना लेते हैं. यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं. उसके बाद ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन पहले इसको नोट कीजिएगा. इसको नोट करने के साथ साथ जरा एक रीजन सुन लीजिएगा तवज्जो से. हमने यहाँ पर यूज किया था मोल्टन मिक्सचर NaCl और CaCl2 का. अब जाहिर सी बात है CaCl2 भी तो मोल्टन फॉर्म में है, उसके भी आयंस होंगे, कैल्शियम आयंस भी होंगे, क्लोराइड आयंस भी होंगे. तो क्लोराइड आयंस तो कहाँ जाएंगे? एनोड पे जाएंगे. सोडियम के भी, सॉरी, NaCl और CaCl2 दोनों के क्लोराइड आयंस चले जाएंगे एनोड पर, क्लोरीन गैस बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन कैथोड पर सोडियम आयंस के साथ कैल्शियम आयंस भी जाएंगे, उनकी भी रिडक्शन होगी. तो कैथोड पे तो सोडियम भी आ गया और कैल्शियम भी आ गया. तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाएगा ये जहन में रखिएगा, ये मुझे लास्ट में बतानी है. इसको जल्दी से नोट करें, मुझे मैसेज करें फिर के सर डन. ठीक है मलिक साहब, बाकी लोग भी बेटा लिख लें तो बताएं जल्दी से. अच्छा जी, नोट कर लिया बेटा.
अच्छा जी, इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि सर सोडियम और कैल्शियम आयन मिक्स क्यों नहीं होते? तो जवाब सुनिएगा, सोडियम एंड कैल्शियम बोथ आर कलेक्टेड एट कैथोड बट दे डज नॉट मिक्स विद ईच अदर बिकॉज सोडियम एंड कैल्शियम आर डिफरेंट इन डेंसिटीज. सोडियम एंड कैल्शियम आर डिफरेंट इन डेंसिटीज. ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज दे डज नॉट मिक्स विद ईच अदर. द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज मच ग्रेटर देन सोडियम, तो कैल्शियम नीचे बैठ जाता है और सोडियम ऊपर फ्लोट कर रहा होता है. सोडियम क्या है? अल्कली मेटल. अल्कली मेटल्स की डेंसिटी कम होती है और कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. ठीक है जी, ये लास्ट स्लाइड है, उसको नोट कीजिए. ओवरऑल रिएक्शन, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसे लिखेंगे, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसे लिखेंगे. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Na जो कि सोडियम मेटल है और Cl2 जो कि क्लोरीन गैस है वो कलेक्ट हो जाएगी. इसको नोट कर लीजिएगा. और लास्ट के 30-40 सेकंड्स में मैं सारी स्लाइड्स को एक बार दोबारा से चला दूंगा ताकि जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने जल्दी जल्दी से ले लें. यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसको कंपाइल कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन टॉपिक्स हैं इसमें, उन तीन में से दो टॉपिक्स आएंगे पेपर में 110%. आज डाउन पड़ा है, अगले यानी कि अब जो मंडे आएगा उसको हम पढ़ेंगे अमोनिया सॉल्वे और फिर पढ़ेंगे कैस्टर कैलर. जी जी, एग्जाम में सोडियम का आता है, चैप्टर नंबर 3 से सोडियम का आता है. वैसे तो चैप्टर 4 में मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम और 5 में कॉपर भी है, लेकिन इस चैप्टर से वो ही आता है, सोडियम ही आता है मेटलर्जी में. जनाब हमने आज काम शुरू किया है यहाँ से, दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे. स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा काइंडली, ज्यादा सेकेंड्स नहीं मिलेंगे आपको. दिस इज अवर सेकेंड स्लाइड ऑफ टुडे. This is our third slide. इसको पढ़ लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो वो आप मुझसे अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है. This is fourth slide. The time is over now. तो अपना ख्याल रखें बेटे, अल्लाह हाफिज़.